ऐश्वर्या राय, राजकुमार राव, अनिल कपूर स्टारर फिल्म फन्ने खां का भी हाल ही में ट्रेलर लॉन्च किया गया था, जिसे दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद किया। और ट्रेलर देखने के बाद फिल्म का बड़ी बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच ऐश्वर्या राय के चाहने वालों के लिए एक बुरी खबर आई है। वो बुरी खबर यह है कि ऐश्वर्या राय का इस फिल्म में बहुत ही सीमित रोल है। दरअसल एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ऐश्वर्या राय का फिल्म में छोटा लेकिन दिलचस्प किरदार है। वह इसमें मुश्किल से 15-20 मिनट के लिए है, इसलिए इसे एक स्पेशल अपीयरेंस ही कहा जाएगा। उन्होंने राजकुमार राव और अनिल कपूर के साथ सिर्फ 12 से 13 दिन ही फिल्म के लिए शूटिंग की है। उन पर दो गाने फिल्माए गए हैं, जिनमें से एक डांस नंबर है और दूसरा एक लव ट्रैक है। ऐश्वर्या राय के चाहने वाले ये कयास लगाए हुए थे कि एक बार फिर से हमें फन्ने खां में ऐश्वर्या राय दिखेंगी, लेकिन उनको ये खबर मायूस कर सकती है। ऐश्वर्या राय का फन्ने खां में सिर्फ 15 से 20 मिनट का ही रोल है। ऐश्वर्या राय फन्ने खां से पहले करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल में नजर आई थी। इस फिल्म में भी उनका छोटा सा किरदार था, लेकिन फिर भी लोगों ने इस फिल्म को काफी ज्यादा पसंद किया। लेकिन अब फिर से ऐश्वर्या राय फन्ने खां में नजर आने वाली है।